गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। बेटा आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9B समझाऊंगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर। फर्स्ट पार्ट है 5 किलोमीटर, 6 मीटर, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, पहले फार्मूला राइट करना है। फार्मूला क्या राइट करेंगे, जो आपको फार्मूला मैंने याद कराया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर, 6 मीटर, 2 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर मतलब किलोमीटर के नीचे 5 लिख दीजिए। कितना मीटर है, 6 मीटर। 6 मीटर है तो मीटर के नीचे 6, और 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे 2। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 राइट कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। फिर से देखिए सेकंड पार्ट, 3 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर। आइए मीटर की वैल्यू कितनी है, 3, तो उसको मीटर के नीचे लिखेंगे। सेंटीमीटर 5 है, सेंटीमीटर के नीचे 5। मिलीमीटर कितना है, 9, तो मिलीमीटर के नीचे 9। यही आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो वैल्यू लिखी है, जैसे थर्ड वाला है 5 हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर के नीचे 5 लिख देंगे। 1 मीटर, मीटर के नीचे 1 लिख देंगे। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे 2 लिख देंगे। जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या राइट कर देंगे, 0। ना 4, 8 डेकामीटर, तो डेकामीटर के नीचे 8। 3 मीटर, मीटर के नीचे 3। मिलीमीटर 7 लिखा हुआ है, 7 मिलीमीटर, मिलीमीटर के नीचे 7। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 राइट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी है इसलिए इसको हम 0 राइट करेंगे। 5 नंबर पार्ट, किलोमीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, 2 मीटर एंड 9 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर, 2 मीटर, 9 मिलीमीटर। किलोमीटर के नीचे 1, मीटर के नीचे 2, मिलीमीटर के नीचे 9। बाकी सारे जगह क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो वहाँ क्या राइट कर देंगे, 0। और यही आपका आंसर होगा। देखिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा हुआ राइट इन वर्ड। ये क्वेश्चन दिया हुआ और इसको आपको किस में राइट करना है, वर्ड में। देखिए कैसे करेंगे, तो ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप क्या करिए, जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी प्रश्न है आप देख भी रहे होंगे, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और वैसे ही आप क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, किलोमीटर के नीचे 5 है तो आंसर राइट करेंगे 5 किलोमीटर्स, 3 डेकामीटर्स, 4 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। यही आपका राइटिंग वर्ड है। सेकंड पार्ट देखिए, वैसे ही क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, आपको कैसे राइट करना है, 5 किलोमीटर, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, बस यही आंसर। ऐसे ही थर्ड वाला कर देंगे, 4 वाला भी, 5 वाला भी, सारा आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 किलोमीटर इक्वल टू मीटर। 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा ये आपको बताना है। देखते हैं हम क्या राइट कर लेंगे, पहले फार्मूला, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये राइट कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1 के बाद कितना 0 आपने लगाया, चूँकि हम आपको बताए थे इधर से इधर जब जाते हैं तो क्रॉस होता है, इधर से इधर आते हैं तो डिवाइड होता है, तो इधर से उधर जा रहा है मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के बाद मीटर कहाँ है, यहाँ, वहाँ तक 0 राइट कर दिए। तो आप 1 किलोमीटर इक्वल टू वैल्यू कितना पाए, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5 × 1000, तो क्या हो जाएगा, 5000 मीटर। यही आंसर है। सेकंड देखिए, 8 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ऐसे ही आपको करना है जैसे वो किए हैं। आप फार्मूला राइट करेंगे, चेंज किस पे करना है, किलोमीटर से मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर के नीचे 1 लिख लीजिए,
जिसको चेंज करना है मिलीमीटर में चेंज करना है वहाँ तक आप क्या कर, अरे मीटर में चेंज करना है तो वहाँ तक क्या लिख दीजिए जीरो, और इधर से इधर जा रहा है इसलिए आपका फार्मूला हो गया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बड़े से छोटे की ओर हम लोग जा रहे हैं तो क्रॉस होता है, जब छोटे से बड़े की ओर आते हैं तो डिवाइड होता है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 8 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 1000 मीटर इक्वल टू 8000 मीटर। थर्ड पार्ट देखिए, 2 किलोमीटर 50 मीटर, 2 किलोमीटर 50 मीटर में कितना मीटर होगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, वैसे ही फार्मूला राइट कर लेंगे, किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर यहाँ है मीटर यहाँ है, क्योंकि बिग से स्मॉल की ओर जा रहे हैं इसलिए क्रॉस, और जब स्मॉल से बिग की ओर आएंगे तो डिवाइड होगा। 1 किलोमीटर में आपकी कितनी वैल्यू आई मीटर की, 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 × 1000 मीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। अब आपको बताना क्या है, 2 किलोमीटर 50 मीटर में मीटर की वैल्यू अभी 50 बची हुई है, क्योंकि 2 किलोमीटर को तो हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया, क्या आया 2000 मीटर आया, लेकिन अभी ये 50 मीटर चेंज करना है तो उस 50 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2050 मीटर। आइए बेटा नेक्स्ट, अब आपको बताना है 7 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं ज़रूरत है बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडा, आपको किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर यहाँ है बिग से स्मॉल की ओर जाना इसलिए क्रॉस, किलोमीटर यहाँ है किलोमीटर को चेंज करना है इसलिए किलोमीटर के नीचे क्या लिख देंगे 1, किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर तक क्या लिख देंगे 0। अब क्या कर देंगे बाकी सब जगह क्या आपको राइट कर देना है 0, और ये आपका फार्मूला तैयार हो गया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक 1 लैक सेंटीमीटर। सो 7 किलोमीटर इक्वल टू 7 × 1 लैक, यही आपका आंसर, 7 × 1 = 7, बाकी सारा 0 वैसे ही लग जाता है। ऐसे ही देखते हैं 9 किलोमीटर 51 मीटर को चेंज करना है मीटर में, तो पहले आप इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए, पहले इस किलोमीटर को किस में चेंज करिए मीटर में, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें मीटर को जो गिवन मीटर है उसको प्लस कर दीजिएगा। तो फार्मूला लिखेंगे किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, सो 9 किलोमीटर इक्वल टू 9 × 1000 इक्वल टू 9000 मीटर। ये तो आपने चेंज किया क्योंकि आप ये बिग से स्मॉल की ओर जा रहे हैं तो आपको क्या करना था, क्रॉस करना था। किलोमीटर को किस में चेंज करना है मीटर में, इसलिए किलोमीटर के नीचे 1 लिख दिए और मीटर तक क्या लिख देते हैं 0। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 9 किलोमीटर इक्वल टू 9000 मीटर। 9 किलोमीटर 51 मीटर को आपको चेंज करना है, तो 9 किलोमीटर को आपने चेंज किया है वो क्या है 9 मीटर, और 51 मीटर आपका गिवन है तो 51 इसमें प्लस कर देंगे 9051 मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करके CW कॉपी में राइट कर लेंगे या CW कॉपी में ही डायरेक्ट राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। क्लियर है बेटा, थैंक यू।